हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मुख्यमंत्री राज्य की सुराज गौरव यात्रा पर पोती कालिक सिरोही जिले प्रमुख के खिलाफ अविश्वास पेश। सिरोही के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सुराज गौरव यात्रा पर भाजपा ने ही कालिक पोत दी है। यात्रा के दौरान ही भाजपा की जिला प्रमुख के खिलाफ सिरोही के भाजपा के जिला परिषद सदस्यों ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी शुभम चौधरी के समक्ष अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है। इसमें जिला भाजपा के प्रमुख नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका बताई जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये अविश्वास प्रस्ताव उस समय पेश किया गया जब सिरोही विधायक और प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि गोपालन मंत्री ओटाराम देवासी सिरोही जिले में ही थे। करीब एक दो महीने से सिरोही की भाजपा जिला प्रमुख पायल परसराम पुरिया के खिलाफ भाजपा और कांग्रेस के जिला परिषद सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की अटकलें चला रही थी। दो महीने पहले चली अटकलों को विराम लग गया था कि एकाएक फिर से एक पखवाड़े पहले जिला परिषद सदस्यों की बाड़ाबंदी कर दी गई। भाजपा के 14 में से 12 जिला परिषद सदस्य और कांग्रेस के 4 सदस्य जिले से नदारद हो गए। इन्हें एक गाड़ी में जिले से बाहर ले जाने की बात सामने आई। एक हफ्ते तक लगातार कीच नहीं हुआ। इस बीच 3 दिन पहले एक खबर आई कि बाड़ेबंदी में शामिल 2 जिला परिषद सदस्य लौट आए हैं। इसके बाद एक कायस लगाए जाने लगे थे कि जिला प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खटाई में पड़ गया है। लेकिन 2 दिन बाद ही भाजपा के 7 जिला परिषद सदस्यों में सिरोही जिले परिषद कार्यालय में पहुंचकर देर शाम करीब 7:30 बजे जिला प्रमुख पायल परसाराम पुरिया के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है। सिरोही से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।